चलो सीधी बात, नो बकवास। तो आप मंचूरियन घर पे कैसे बनाते हो? चलो ये करो, वो देखा, वो देखा, इससे करता सीधा काम कर। काला काला थोड़ा साफ कर लेते, इसको पत्ता निकाल लेते, तो पत्ता निकालने से अच्छा करके हो जाएगा। आपको खमड़ी है ना, थोड़ा थोड़ा बारीक भी नहीं बनाना है, थोड़ा बड़ा बड़ा पीस रखना है। तो इसको हम फटाफट कर लेते, फटाफट साफ कर लेते, इसको फटाफट पीस लेते। चलो खमड़ लेते हैं फटाफट, इसको हो गया। आपको घिसना कैसे है, उसको घुमा घुमा घिसना है। नीचे है ना, देखो ऐसा, देखो ये थोड़ा थोड़ा वाला, ज़्यादा बारीक भी नहीं होना चाहिए, तेरा मोटा भी नहीं होना चाहिए। इसको कोबीज गए ना, घुमा के घिसना है आपको, घुमा घुमा के घिसना है इसको, ऐसा करके घुमा। चलो इसको हमने घुमा घुमा के, आपको कोबीज को थोड़ा ऐसा घुमा घुमा के करना है। इसको बारीक कर लेते अच्छा करके, उसको पत्ता निकाला है, उसका भी अंदर डाल के ऐसा एकदम से नहीं घिसते नहीं रहना है, उसको थोड़ा घुमा लेना। देखो नीचे से इतना छोटा छोटा निकलना है, और ज़्यादा लंबा भी नहीं निकलना चाहिए, कटिंग निकलना चाहिए, तो तभी मंचूरियन में अच्छा होगा। आपको देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो इसको थोड़ा पूरा घिस लेते हैं। इसको है ना, जितना घुमा के घिसोगे ना आप, उतना बढ़िया कोबीज निकलेगा, तो मंचूरियन भी उतना अच्छा तरीके से होगा। आपको पूरे यूट्यूब में ऐसा कोई नहीं सिखाएगा आपको अच्छे तरीके रेसिपी। और देखो हमने फटाफट से इसको घिस लिया, इसको देखो ये छोटा छोटा करके इसको भी घुमा घुमा के पूरा घिस लेना आपको। और इसको थोड़ा बना लेते, देखो हमने किस तरफ से बनाया। अब हाथ में लगने ध्यान रखना, हाथ में लगना नहीं चाहिए। इसको देखो छोटा छोटा दाते, आप घर पे लेते हो छोटा वाला खमली लेते हो, उससे सबसे उससे अच्छा नहीं होगा। इसको थोड़ा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, छोटा भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा मीडियम साइज़ होगा ना तो कोबी अच्छा निकलेगा, तो भी मंचूरियन अच्छा बनेगा। आपके घर पे छोटा होता है उससे खमन लेते हो, उससे घिस लेते हो, उससे पूरा घिसते हो, तो छोटा निकलता है, उसमें पानी ज़्यादा निकलता है, पानी ज़्यादा निकलेगा तो इसमें पानी थोड़ा निकल रहा है, और किसी में से निकल रहा है किसी में नहीं। पानी ज़्यादा होता है आपको पानी निकाल लेना है, इसमें ज़्यादा पानी नहीं है तो चलो पानी नहीं निकालता हूँ मैं। और मंचूरियन ज़्यादा लंबा भी नहीं निकलना चाहिए कोबी का, तेरा छोटा भी नहीं निकलना चाहिए, मीडियम साइज का तो बढ़िया बनेगा। सब इसको मैं लगा लिया, इसमें डाल लिया, इसको फटाफट से मिक्स करते हैं। देखो कितना अच्छे तरीके से हुआ कोबी। आप छोटे खमड़ी पे घर पे करो तो पनीर जो बने घिसते हो उसमें करोगे तो अच्छा नहीं होगा, कोबी पानी पानी सा हो जाएगा पूरा, तो पानी ज़्यादा होगा तो पानी आपको निकाल लेना है, कोबी से पानी निकाल लेना है। इसे जितना ड्राई होगा ना उतना बढ़िया बनेगा, देखो इसमें पानी नहीं निकल रहा है। तो इसको आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, कोबी मैदा डालने के समय कभी भी उसमें पानी नहीं निकलना चाहिए। देखो ये इतना सा थोड़ा होल है और इससे बढ़िया बनने का इसने डाल दिया ऑरेंज रेड कलर, और इसको थोड़ा डाल लेते हैं ज़्यादा। आपको सॉस वॉस कुछ डालना नहीं पड़ेगा, देखो ऐसे बनता है। देख इसको मिर्चा पाउडर डाल दिया इसमें, और इसमें डाल दिया नमक, और नमक डाल दिया, और ये नमक ज़्यादा नहीं डालना है आपको, थोड़ा डालना है। और इसमें डाल दिया मंचूरियन मसाला, ये आपको मिल जाए कहीं भी, किंग नाम से होगा और मिल जाएगा करीना दुकान में, कहीं भी सॉस वॉस मिलता है वगैरह मिलता है वहीं मिल जाएगा आपको। इसको अच्छा करके मिला देते, आप इस दौरान पानी कभी नहीं डालना चाहिए। आप ये गलती कर देते हो, पानी डालते हो फिर बोलते हो भाई साहब नहीं हुआ, आप अच्छा करके रेसिपी समझाओ, अच्छा करके सिखाओ, आप कमेंट करते रहते हो। आपको पानी बिल्कुल नहीं डालना है, उससे कोबी से ही पानी निकालना है। इसको मुसल मुसल के उसको मिक्स करके अच्छे तरीके से भले, और आधी घंटा उसको मिक्स करो, देखो पानी निकल गया थोड़ा थोड़ा, उसको पानी आ गया। इसमें बिल्कुल पानी हमने नहीं डाला है, देखो कोबी से अद्दत मैंदा। आपको अब ये नहीं बताया कोई आपको, कोई भी चैनल पर देखो, कोई भी यूट्यूबर देखो, आपको ये नहीं बताएगा कितना कोबी में कितना मैंदा डालना है। आपको 2 किलो कोबी में 250 ग्राम मैदा डालना है, 4 किलो कोबी होगा तो 500 ग्राम मैदा डालना है। मैदा ज़्यादा भी डालोगे ना आप गोली होगा ना मंचूरियन का, मंचूरियन वो गोल होगा, वो बहुत कड़क हो जाएगा। मैदा आपको ज़्यादा भी नहीं डालना है। चलो इसको हमने फटाफट मिक्स कर दिया। अब एक चीज़ को ध्यान रखना है, इसमें पानी बिल्कुल मिक्स नहीं करना है, पानी मिक्स करोगे तो आप होगा नहीं। देखो हमारा हो गया है पूरा, ज़्यादा ढीला भी नहीं हुआ, ज़्यादा कड़क भी नहीं हुआ, मीडियम साइज का हुआ। तो आपको एक चीज़ को ध्यान रखना है, कोबी मैदा ज़्यादा नहीं दिखना चाहिए, कोबीज भी हल्का फुल्का दिखना चाहिए। देखो एक ऐसा कोबी दिख रहा है और मैदा भी ज़्यादा नहीं है,
अब मैदा ज़्यादा होगा तो फिर मंचूरियन अच्छा नहीं बिगड़ा, उसमें कोबी भी थोड़ा थोड़ा देखना चाहिए, मैदा भी इतना देखना चाहिए, ज़्यादा भाग में मैदा डालेगा तो कभी होगा नहीं मंचूरियन, वो कड़क हो जाए कि अंदर पाकेगा नहीं, ऐसा प्रॉब्लम आएगा। अब वो देखो इसमें कोबी भी दिख रहा है, मैदा भी दिख रहा है, तो थोड़ा पानी लगा के थोड़ा उसको ऊपर से बराबर कर देंगे, थोड़ा सा लगाया हमने क्योंकि आस पास किया तो ऊपर से थोड़ा लगाया, इसको हो गया अब डालने के लिए रेडी हो गया, इसमें गोल बनेगा। तो देखो हम तेल गर्म किया था, तेल लगा दिया था पहले, तो लो हमने इसमें लगा दिया गोली। चलो आपको तेल में ज़्यादा गर्म तेल में भी नहीं डालना है, थोड़ा मीडियम गर्म हो जाएगा तभी डाल देना है, डालना शुरू कर देना, जब तेल पकने लग जाएगा तब डाल देना है, ज़्यादा ठंडा में डालेगा तो कड़क हो जाएगा, आपको तेल मीडियम साइज में गर्म करना है। चलो हमने इसको फटाफट डाल लेते हैं, और आपको कोई भी यूट्यूबर आपको इतना टेक्निक नहीं सिखाएगा और के किस में क्या डालते हैं किस में क्या डालते, आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और आगे से ऐसा वीडियो आते रहेगा। अभी 2-3 महीने से वीडियो नहीं आ रहा है, इसके लिए सॉरी, अभी इस वीडियो आते रहेगा। और चलो देखो हमने इसको डाल दिया साइड साइड में, थोड़ा थोड़ा तेल भी थोड़ा थोड़ा गर्म होने लगा है, देखो तेल भी अभी। चलो हमारा मंचूरियन में आधे घंटे के बाद हो के थोड़ा रेडी होने लग गया, इसने थोड़ा आग को मीडियम रखा है हमने, क्योंकि लकड़ी में बनाया, लकड़ी में बहुत स्वादिष्ट बनेगा आपका, हो सके तो आप लकड़ी में बना, गैस में भी आप धीमे धीमे गैस रख सकते हो, गैस में भी अच्छा ही बनेगा लेकिन लकड़ा में और बेस्ट बनेगा। अब देखो हमने गैस को चूल्हा भी धीमे धीमे सलका रखा है और आग भी धीमे धीमे लगाया है, उसमें ज़्यादा फास्ट नहीं किया, ज़्यादा फास्ट होता जल जाएगा, फिर धीमे धीमे लगाना पड़ता है। चलो हमको ये मंचूरियन पक के रेडी हो गया, तो इसमें तेल में से थोड़ा कोबी कोबी निकलना चाहिए, आप मंचूरियन डालोगे जब, देखो हमारा रेस्टोरेंट भी है, हम इसमें ही बनाते हैं और सारा पार्सल करते हैं मंचूरियन बना के। चलो हमारा तैयार हो गया और इसको हम निकाल लेते हैं, देखो इतना आप पकड़ोगे तब इतना थोड़ा कड़क सा ना ढीला सा लगना चाहिए, आप एकदम कड़क हो तो भी नहीं चलेगा, एकदम ढीला होगा तो भी नहीं चलेगा, आपको इतना थोड़ा बन के रेडी हो गया। चलो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना, जो मन में आया उस कमेंट कर देना, लेकिन हमारा थोड़ा हिंदी भाषा में प्रॉब्लम है तो आपको कोई भी ऐसा मत कमेंट कर देना कि आपको भाषा नहीं आता है, ये नहीं आता है, नाम धीमे धीमे सीख रहे हैं अभी, नया नया है, देखो बन के तैयार हो गया। थैंक यू वॉच फॉर